तो बिना राग सीखे राग कैसे सीखें? सुनने में बड़ा अजीब टाइटल लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कहीं मिस टाइप तो नहीं कर दिया मैंने, कोई वर्ड इधर का उधर लिख दिया वो गलती से, मगर ऐसा नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरी लर्निंग से रिलेटेड है। मैंने जिस तरह से शास्त्रीय संगीत सीखा है और उसके बाद लाइट म्यूज़िक भी, गीत गज़ल भजन भी अपने गुरुओं से जाना सीखा, तो उस दौरान हुआ मेरा एक एक्सपीरियंस है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जहाँ कई ऐसे राग हैं जो मैंने शास्त्रगत ढंग से नहीं सीखे, यानी उनमें ख्याल, बंदिश, आलापतान, तराना, ध्रुपद, धमार, ये सब कुछ नहीं सीखा, फिर भी मुझे वो राग आते हैं। तो कैसे आ सकता है वो ढंग, या उस ढंग से कैसे हम सीख सकते हैं रागों को, आज उस पर पूरी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा और व्हाट्सएप हमें कर दीजिएगा अगर आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, कॉल मत करिएगा, ठीक है? पूरा वीडियो देखिएगा। गर शराब पियो, गर शराब पियो, बढ़िया पियो। तो है तो बड़ा ताज्जुब का टॉपिक, ये हाल ही में ही मुझे रियलाइज हुआ, इसीलिए मैंने सोचा, एक क्लास में मैं बता रहा था, इस पर बात कर रहा था, तो मैंने सोचा ये अपने यूट्यूब की जो व्यूवर्स हैं उनके साथ भी शेयर करी जाए मेरी ये जर्नी, कि जहां मैंने कई ऐसे राग शास्त्रगत नहीं सीखे मगर वो राग मुझे आते हैं। जब हम रागें सीखते हैं, जब हम रागों में बंदिशें गाते हैं, या यूं कहूं जब हम रागों में रचनाएं गाते हैं, तब कहीं जाकर हमें राग थोड़ी थोड़ी समझ आती है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, आप अगर प्रारंभिक कोई भी ढंग देखें तो आरोह अवरोह पकड़ से कोई भी राग आपकी शुरू होती है, उसके बाद आप उसमें सरगम गीत गाते हैं, आप उसमें कोई ख्याल गाते हैं, छोटा ख्याल ही पहले सीखेंगे, उसके बाद उसमें कुछ आलाप, कुछ ताने वो सीखेंगे, उसके बाद आप देखते हैं कि भाई बड़ा ख्याल गायन भी इसमें होता है तो बड़ा ख्याल भी आप गाते हैं। मगर उससे पहले की जो संगीत प्रभाव वर्ल्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो उसमें आपको 10 थाट जानने होते हैं, 12 पिच जानने होते हैं, हमारी प्रारंभिक तालें व लयकारियाँ ये जाननी होती है। ये पूरा कोर्स जब आपका ख़त्म होता है तब ही जाकर आप रागों की शुरुआत करते हैं, और उसमें भी मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी द्वारा जो रचित किताब है स्वरांगिनी, उसका सिलेबस जो कहता है वो ये है कि पहले आपको 10 आश्रित रागें, यानी कि जो 10 थाट हैं वही 10 रागें हैं जो प्रारंभिक 10 हैं, उनको आपको सीखनी होंगी, उसके बाद ही आप बाकी की जन्य रागों पर आगे जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होता है। अब इस प्रोसेस से गुजरते गुजरते यार सोचने वाली बात यह है कि कितनी रागें आप सीख सकते हैं, मुमकिन नहीं है। शास्त्रों में मैंने थोड़ा ढूंढने की कोशिश करी थाटों की, जब मैं एक लिस्ट बना रहा था कि हर थाट से कितनी राग कैटेगराइज्ड की गई हैं, तो वो सारी, या उनका समय जो है, समय अनुसार जब मैं रागों को बांट रहा था कि भाई प्रथम प्रहर की ये सारी रागें हैं, द्वितीय प्रहर की ये सारी रागें हैं, तब मैंने जब भातखंडे जी की किताबें खंगाली तो उसमें मुझे लगभग 150 रागें मिली, 150। और अगर यही हम शास्त्र की बात करें तो उसमें कुछ 484 रागें बन सकती हैं गणित द्वारा, और यही हम अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो बहुत सी और रागें आ जाती हैं। तो सोचने वाली बात है कितनी रागें आप सीख सकते हैं एक राग को सीखने में। अब राग सीखना किसे कहेंगे, पहले तो इसी को हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि कब कह देंगे कि हाँ राग बिलावल हमें आती है। हम यूँ मान लेते हैं कि जब उसमें हमने एक बंदिश और चंद आलापतान कर लिए तो हमें वो राग आ गई, या उस राग में कई अलग अलग रचनाएं, लक्षण गीत हो, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, चतुरंग, त्रिवट, जो जो बन सकता था शास्त्रीय संगीत गायकी के अनुसार वो सब हमने उसमें गा लिया, उसके चलन अनुसार जो बन सकता था, तो हम कह देंगे हाँ ये हमारी अब एक राग हो गई है, अब हम दूसरी राग पर जा रहे हैं, ऐसा हमें लग जाता है उमूमन। क्योंकि हम ज़्यादातर जो कलाकार महानुभाव सीखते हैं और जो सिखाते भी हैं वो एग्ज़ाम पर्पज़ से सिखाते या सीखते हैं, वो शास्त्रीय संगीत को जानने या उसमें रचने बसने के लिए, बहुत कम लोग आज की तारीख में संगीत सीखते हैं। तो मैं तो खैर उन्हीं जैसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो रच बस के सीखना चाहते हैं, जो रट कर सीखना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए सीखना चाहते हैं, वो भी इस कन्फ्यूजन को दूर करें कि एक राग तैयार हो जाने का ये अर्थ नहीं होता है कि उसमें आपने एक बंदिश और चंद आलापतान गा लिए और कोई दो चार बंदिशें कर ली, एक नहीं दो चार अलग अलग घराने की बंदिशें हो गई, अलग अलग अच्छे अच्छे कलाकारों की बंदिश हो गई, अच्छे अच्छे रचनाकारों की बंदिशें हो गई, वो सब आपने उसमें गा लिया, छोटा बड़ा ख्याल सब गा लिया, अब वो राग हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हर एक संगीत का कलाकार इस चीज़ से इत्तेफाक रखेगा और इस चीज़ पर बोलेगा कि एक राग जीवन भर ख़त्म नहीं होती है,
जैसा कि पंडित भीमसेन जोशी जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि मैंने तो भाई 6 महीने तक राग बिलावल ही गाई, राग बिलावल ही सिखाई गई हमें, तो आगे और दूसरी कोई राग ही नहीं दी गई कि पहले तुम शुद्ध राग तो सीख लो, उसके बाद हम तुम्हें कोई ऐसी विकृत राग सिखाएंगे या वक्र राग सिखाएंगे या ऐसी जिसमें स्वर वर्जित हो रहे हैं वो सिखाएंगे। तो ये एक उनकी अपनी प्रणाली रही सीखने की। तो इस ही ढंग से अगर गुजरते गुजरते आप रागें सीखें तो यार तो बहुत समय लग जाएगा। सोचने वाली बात है कि हम तो कभी ये सारी रागें पूरी कर ही नहीं पाएंगे। और कितनी रागें सीखना ज़रूरी हैं, क्या हमें सारी रागें आना भी ज़रूरी होता है क्या? ये बहुत सारे सवाल हैं शास्त्रीय संगीत में। जब बिगिनर लेवल से आप इस लेवल पर आ जाते हैं जब आप राग की शिक्षा शुरू कर रहे हैं, तो कितनी रागें सीखना इज इनफ, वो एक वो सवाल आ जाता है ना। तो उस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मुख्य 10 जो राग होते हैं, जो 10 थाट पर आधारित, जिसको कहते हैं ना कि 10 थाट में जो कैटेगराइज किए गए उनके ही जो आश्रित राग हैं, बिलावल की राग बिलावल, भैरवी की राग भैरवी, राग यमन, भैरव, काफी, खमाज, आसावरी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये जो 10 थाट हैं यही हमारे 10 आश्रित राग भी बनते हैं। इन्हें एक बार अगर आप सीख लेते हैं तो आई कैन से इट इज़ अ लिटिल बिट इनफ, हम मान सकते हैं, क्योंकि अन्य जो रागे हैं उनमें इन्हीं के कहीं ना कहीं अंग नज़र आते हैं कि बिलावल है, अब बिलावल से अलहिया बिलावल दिख गई आपको, या आपने जब हमीर गाई तो हमीर में भी आपको बिलावल नज़र आई, आपको कामोद में छाया नट में बिलावल नज़र आई, ऐसे ही आपको कई रागें यमनी बिलावल में, देवगिरी बिलावल में, ये सारी रागें कौन से हैं जो बिलावल के अंग की हैं। फिर आपने भैरवी सीखी तो भैरवी के प्रकार अगर आपको कहीं कहीं थोड़े बहुत देखने को मिले, या भैरव अंग सीख लिया तो भैरव अंग आपको अलग अलग रागों में देखने को मिलेगा। तो जब थाट सीखे, 10 आश्रित रागें सीखी, फिर आप कुछ अंग सीख लीजिए जिसे हम कहते हैं रागांग। रागांग यानी जैसे भैरव अंग होता है, कानड़ा अंग होता है, सारंग अंग होता है, मल्हार अंग होता है, इसी तरह से कई सारे अंग होते हैं। नट जिसको एक तरह से मान सकते हैं कि हाँ वो भी कोई अंग है, ठीक है, या कल्याण एक अंग मान सकते हो कि हाँ ये भी एक अंग है, कल्याण से जन्य होने वाली कई रागें बनती हैं। तो इस तरह से जब आप मुख्य मुख्य रागें सीख लेते हैं 10 के अलावा, वो 10 सबसे पहले सीखने की हैं, तब जाके आप आगे की रागें खुद ब खुद समझने लगते हैं। उतना ज़्यादा उनकी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं होती, वरना तो यथा सागर है, एक के बाद एक राग करते जाइए, राग करते जाइए, एक एक भाव समझते जाइए, सीखते जाइए, जीवन पड़ा है। ये शास्त्रीय संगीत की अगर बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत की कोई लिमिट नहीं होती है कि भाई ये नहीं है कि मुझे 200 गाने आते हैं, 200 गाने मेरे तैयार हैं, वो शास्त्रीय संगीत में नहीं होता है कि मेरी तो 10 रागें तैयार हैं। कोई भी शास्त्रीय संगीत के कलाकार से अगर आप पूछेंगे कि आपको कितनी रागें आती हैं तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे इतनी रागें आती हैं, क्योंकि वो एक राग का आ जाना कब होता है उसकी जो एक स्टेज है वो हम कभी नहीं ढूंढ पाते। हम ताउम्र उसी राग को गाते रहते हैं और हमेशा उसमें कुछ नया अंग हमें देखने को मिलता है, ये खास बात है। एक कोई सुगम गायक कह सकता है कि हाँ मुझे 200 गाने आते हैं, हाँ मुझे 400 गाने या 400 गज़लें आती हैं, लेकिन एक शास्त्रीय संगीत का कलाकार कभी नहीं कह पाएगा कि उसे फलां इतनी रागें आती हैं, क्योंकि वो राग कभी पूर्ण हुई ही नहीं। आज से 10 साल पहले मैं यमन गाता था, आज मैं यमन गा रहा हूँ और आज से 10 साल बाद भी मैं यमन गाऊँगा, और उसमें जो बदलाव मुझे देखने को मिल पा रहा है यही शास्त्रीय संगीत की खूबी है कि वो नित नया है, रोज़ नया है, रोज़ उसमें एक नया अंग निकल के आता है। अरे यार ये तो कभी सोचा ही नहीं कि इस अंग में भी यमन को गाया जा सकता है क्या, या भोपाली गाई जा सकती है क्या, फलां जितनी भी रागें आपकी हैं, ठीक है। तो खैर ये वैसे आज का टॉपिक नहीं था, ले तो बात करते करते मैं यहाँ आ गया कि रागें तो आप जितनी सीखो उतनी पूर्ण कभी वो होगी नहीं, उसमें रचनाएँ आप सीखते रहते हो। लेकिन ये मेरा मुख्य पॉइंट था कि रचना के थ्रू हम उस राग को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, उसके बाद उसके विस्तार में हम जाते हैं। खास बात यह है कि जो रचना हमने उसमें गाई वो शुद्ध होनी चाहिए। अगर हमने अशुद्ध रचना सीखी है तो हम उस राग को ठीक तौर पे नहीं समझ पाते, वो राग का चलन जो है उसकी रचनाओं के थ्रू हम तक पहुंचता है। यही वो जवाब है कि कैसे हम बिना राग सीखे भी रागें सीख सकते हैं। मेरे साथ यही हुआ, मैंने बचपन से कई रागें सीखी, जो मुख्य स्वरांगिनी का सिलेबस जो मेरे पिताजी ने बनाया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चलता रहा, और उसमें मैंने मुख्य 10 रागें सीखी। फिर मैंने आगे और भी रागें मैं सीखता गया और आज तक मैं नई से नई राग सीखता जा रहा हूँ, पुरानी से पुरानियों में फ़र्क समता विभिन्नता देखता जा रहा हूँ कि कैसे हमीर कामोद से अलग है, कैसे देश तिलक कामोद से अलग है, कैसे भैरव और कालिंगड़ा का फ़र्क है, और क्या सारंग और मल्हार के अंग में फ़र्क होता है। ये मैं धीरे धीरे नित्य रोज़ सीखता जाता हूँ और रोज़ इसमें मुझे तो अच्छा लगता है कि अरे क्या बात है आज एक नई चीज़ जानने को मिल गई। लेकिन कई ऐसी रागें हैं जो मैंने शास्त्रगत ढंग से नहीं सीखी, यानी उनमें मैं कोई बंदिश मुझे नहीं आती, उनका विस्तार मैं कर सकता हूँ पर कोई शास्त्रीय संगीत की रचना मैंने उसमें नहीं सीखी, कोई सरगम गीत नहीं सीखा, कोई त्रिवट, कोई तराना, कोई ध्रुपद, कोई धमार उसमें नहीं सीखा, कोई बड़ा ख्याल उसमें नहीं सीखा, फिर भी
वो राग मैं जानता हूँ, और ये इस ही वजह से हो पाया कि मैंने उस राग पर आधारित शुद्ध रचनाएं सीखी हैं। तो ये वो एक टिप है जो मैं आपको दे सकता हूँ कि फला कोई नई राग, जैसे चारुकेशी, चारुकेशी मुझे बहुत समय तक आती थी और मैंने उसमें कोई भी शास्त्रीय संगीत की रचना, कोई ख्याल, कोई बंदिश नहीं सीखी थी। उसके बाद मैंने बहुत समय बाद, अभी हाल ही में ही 2 साल पहले, मैंने चारुकेशी की एक राग की बंदिश सीखी कि अच्छा, ये अगर चारुकेशी को मुझे शास्त्रीय अंग में गाना हो तो कैसे गाना होगा। उससे पहले मैं चारुकेशी में भजन, गज़ल, गीत ये गा चुका था और उसी के थ्रू मुझे लगभग चारुकेशी समझ आ गई थी, बशर्ते कि एक ही शर्त है उसकी कि वो रचनाएं शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपने अशुद्ध रचनाएं सीखी हैं तो जैसा कि मेरे साथ हुआ है, एक आध वाक्या ऐसा भी हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम फूल प्रूफ प्लान है कि आप तो शुद्ध रचनाएं सीख लीजिए, आप तो वो बंदिशें सीखिए ही मत, शास्त्रगत सीखिए ही मत, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। दिक्कत हो जाती है। कई वर्ष तक मुझे ये लगता रहा कि राग शिवरंजनी जो है उसमें दोनों गंधार लगते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। राग शिवरंजनी के सुगम रूप में विवादी के तौर पे शुद्ध गंधार का उपयोग होता है, जबकि राग का शास्त्र ये नहीं कहता है। तो ये भी कुछ बातें हैं जो शास्त्र आपको बताता है कि राग का चलन क्या है, क्योंकि वो राग जब फिल्म में इस्तेमाल हो रही है या किसी सुगम रचना में इस्तेमाल हो रही है तो हो सकता है उसका अशुद्ध रूप उसमें इस्तेमाल हो, या फिर यूँ कहें, अशुद्ध तो नहीं कहेंगे, मेलोडी के लिए विवादी रूप थोड़ा सा उसका, या मिश्रित रूप उसका इस्तेमाल हुआ है कि भैरवी है तो मिश्र भैरवी है। ऐसा नहीं है कि भैरवी में 12 सुर लगाने ज़रूरी ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। भैरवी शुद्ध भी गाई जाती है, अशुद्ध या मिश्रित तो वो तब गाई जाती है जब उसमें ठुमरी या दादरा या गज़ल या गीत आप कुछ सुना रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे अन्य स्वर भी उसमें, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, मगर इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि आप शास्त्रगत उस राग को न सीखें। मैं अपने यहाँ दादा गुरुजी का एग्जांपल देना चाहूँगा, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो बिल्कुल ये मत समझिएगा कि इस एग्जांपल से मैं उनको डिमीन या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक हकीकत है जो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी सच्ची और बड़ी अच्छी हकीकत है कि उन्होंने रागों को कभी शास्त्र से नहीं सीखा, उन्होंने रागों से ही राग को सीखा है, यानी क्रियात्मक ढंग से, बिकॉज म्यूजिक इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उन्होंने क्रियात्मक ढंग से रागें सीखी, कोई क्रम में कभी नहीं सीखा, कोई शास्त्र पढ़ के नहीं सीखा। उनसे अगर पूछ लिया जाए कि फला राग का वादी संवादी क्या है, ही डजंट नो, फला राग का थाट क्या है, उनको वो याद नहीं है, यानी याददाश्त से उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा। लेकिन ताज्जुब यही है और यही बड़ी अच्छी चीज़ है, यही सच्चाई है कि वो राग वो बखूबी गा सकते हैं। और ऐसे कई कलाकार हैं जो राग का शास्त्र नहीं जानते लेकिन उसका क्रियात्मक इतना बखूबी जानते हैं कि वो राग के रस और भाव को खिला देते हैं। और मूल यही तो है, शास्त्रीय संगीत का मूल ये थोड़ी है कि आपको रागें रटनी हैं, उसका शास्त्र याद करना है, ये तो एग्जाम पर्पस होता है। ये तो वो लोग करते हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो शास्त्र याद करते हैं। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग निरर्थक हैं या उनका कोई मतलब नहीं है और शास्त्र याद करना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल नहीं, बैलेंस होना चाहिए, आपको शास्त्र भी पता होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने अपना ये एग्जांपल लेकर बताया था ना कि शिवरंजनी में मुझे लगता था दोनों गंधार लगते हैं भैया, मगर ऐसा नहीं है, मुझे कई वक्त तक लगता था भैरवी में तो शुद्ध ऋषभ लगता ही लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी अशुद्ध रचनाएँ अगर आप सीखोगे तो वो राग भी अशुद्ध आपको आएगी। एंड इवन ये मैं शास्त्रीय संगीत के लिए भी कह रहा हूँ, शास्त्रीय संगीत की भी जो बंदिशें हम गाते हैं वहाँ अगर अशुद्धि है, मिश्र है, तो हम तो वो राग भी गलत ही सीख रहे हैं। यानी मुख्य बात क्या हो गई, शुद्ध रचनाएं सीखना। मुख्य बात ये नहीं हो गई कि आपने शास्त्रीय ढंग से वो राग सीखी है या उपशास्त्रीय ढंग से या सुगम ढंग से या आपने कोई भी उसमें लाइट रचना सीखी है, ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है वो राग का चलन देख पाना। हाँ, उमूमन ऐसा होता है कि जो अशुद्ध रचनाएं हैं या जो सुगम है या जो उपशास्त्रीय है उसमें विवादी का इस्तेमाल होता है, शुद्ध ऋषभ भी लगता है भैरवी में, तो चारुकेशी में भी शुद्ध धैवत का इस्तेमाल हो जाएगा। तो हमें बस ऐसी रचनाओं को अवॉइड करना है, हमें ऐसी रचनाएं देखनी है जो शुद्ध राग पर आधारित हों। और इसी लिए संगीत प्रवाह वर्ल्ड में राग, ख्याल, गायकी के साथ साथ गीत, गज़लें भी सिखाई जाती हैं, लेकिन ओरिजिनल, और ओरिजिनल वो जो राग आधारित हो जिसमें संगीत की शास्त्रीयता का ख्याल रखा गया हो, कि अगर बागेश्वरी में कोई रचना बनाई है तो फिर उसमें बागेश्वरी नज़र आएगी। ये खास बात है जो मैंने जानी, जो मैंने सीखी, कि बिना राग सीखे भी आप रागें सीख सकते हैं, बस ज़रूरत है उसकी कुछ शुद्ध रचनाएँ सीखने की। अगर वो शुद्ध रचनाएँ आपने सीख ली तो वो राग आपको आती है। और कई बार यही होता है कि उन रचनाओं से ही हम राग याद रख पाते हैं,
मेरे साथ शुरुआत में यही होता था कि मुझे राग का चलन याद नहीं रहता था, रचना याद रह जाती थी। और यही तो होता है, हम रटते ही तो हैं शुरू में। जब हम रटना शुरू करते हैं तो वो बंदिश याद हो गई। अब वो बंदिश हम गाने लगे, बंदिश गाने लगे तो उससे वो राग ध्यान आ गई। फिर मैं जैसी बंदिश एक बार गुनगुना लेता था तो मेरे राग के स्वर ध्यान में आ जाते थे कि हाँ ये फला फला राग के स्वर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ खास बात है जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है। कई ऐसी रागें हैं जो आज तक मैंने शास्त्रगत, जिनका ख्याल मुझे नहीं आता है, लेकिन उसकी मैंने ऐसी ऐसी रचनाएं सीखी हैं मेरे पिताजी की, दादा गुरुजी की, या बड़े बड़े कलाकारों की, उनकी गज़लें या ठुमरियाँ या दादरा ऐसे भी हैं जो शुद्ध हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अशुद्धि ही हो। ये जो लोग कह देते हैं कि भैया गीत गज़ल है तो फिर थोड़ी तो अशुद्धि आएगी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, कूब कूब फैल गई बात शनासाई की, मेहदी हसन खान साहब की इतनी बढ़िया गज़ल है राग दरबारी में, और शुद्ध दरबारी उसमें आपको नजर आती है ना। तो ऐसी कई रागें हैं, जैसे मैं कल परसों अपने दादा गुरुजी के साथ राग पहाड़ी डिस्कस कर रहा था कि मुझे बड़ी बखूब लगती है ये राग, बड़ा अच्छा चलन है, ठुमरी अंदाज है। तो उन्होंने मुझे कई ऐसी रचनाएं दिखाई जो शुद्ध पहाड़ी में थी, कई ऐसी थी जो मिश्र पहाड़ी में थी। तो ये है, आप रचनाएं ही तो सीख रहे हैं, रचनाओं से ही तो रागें सीख रहे हैं, तो रचनाओं पर फोकस करें। अगर आपको कोई बंदिश सिखाई जा रही है तो ये मत समझिए कि ये हमको राग सीखनी ही पड़ेगी, इसका पूरा शास्त्र याद करना पड़ेगा। नहीं, राग पर भरोसा कीजिए, वो आपको अपने चलन की ओर खुद ले जाएगी, ऐसा मेरे दादा गुरुजी का कहना है। तो राग पर यकीन करना, वो समर्पण दे देना, उसके बाद वो आपको अपनी ओर खुद ले जाती है, खुद बताएगी कि क्या रचना है। क्योंकि कई ऐसी रागें हैं जो शास्त्रों में है ही नहीं, कई ऐसी रागें हैं जिनका वर्णन ही शास्त्रों में, किताबों में है ही नहीं। गुरुमुख से सीखने वाली रागें हैं, कई ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, कई हैं जो अप्रचलित हो चुकी हैं। तो कितनी रागें आप जान लेंगे, सीख लेंगे? तो रागों की रचनाएं, शुद्ध रचनाएं, उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जो शुद्ध आधारित हो, मिश्रित नहीं। अगर मिश्रित भी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी दो रागें इसमें मिली हुई हैं, दो मिश्रण किस किस का है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने अपने अनुभव से सीखी, तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के साथ साझा करूं। अगर इससे कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, तो आई एम वेरी वेरी ग्लैड, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए आपके एक सवाल के हल होते ही। ठीक है, तो WhatsApp पर कांटेक्ट कीजिए अगर आपको कोई भी समस्या, और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि कॉल्स मत कीजिए, क्योंकि कॉल्स मैं या हमारी टीम नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए हमने WhatsApp की सुविधा जुटाई है कि कितने कॉल उठाएंगे, एक लिमिट है ना उसकी भी, हम फ़ोन पर कितना समझा देंगे। अगर कोई सवाल आपने संगीत का फ़ोन पर पूछ लिया, वही मैंने अभी जो बात पूरे इतने मिनटों में समझाई कि संगीत क्रियात्मक है, बातों का विषय नहीं है। मैं आपको बातों में नहीं समझा सकता भाई कि हाँ इच्छा ये राग सीखनी है, लो लिखना शुरू करो, ऐसे तो कर नहीं सकता ना। तो वो आपको WhatsApp पर ही मैं क्लास ज्वाइन करवाऊँगा, वीडियोज़ भेजूँगा, और आप लोगों के सवाल भी जब मेरे पास आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए कि जो मैंने उसका जवाब दिया है एक अगर लिंक के रूप में कि इस वीडियो में आपका जवाब है, तो उस वीडियो को बिना देखे आपको संतुष्टि ही मिलेगी जवाब की। आपके जवाब उन वीडियोस में मैंने दिए हैं, हमारी टीम ने दिए हैं, तो उन वीडियोस को देखे बगैर ये उम्मीद न रखें कि आपको जवाब मिल जाएगा सीधा सीधा। ये वीडियोस मैं आप ही लोगों के लिए तो बना रहा हूँ, आपके जवाबों के लिए। ठीक है, तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। फिर एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, कुछ ना कुछ नया मेरा शोध, कहीं ना कहीं मेरा एक नया विश्लेषण, कुछ ना कुछ मैं लाता रहूँगा, कोशिश करूँगा। धन्यवाद।